दोस्तों, अगर आपको अतर लगाने अच्छे लगते हैं, अतर लगाने के अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे दो अतर बताऊंगा दोस्तों, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो दोनों अतर हैं दोस्तों, ये हैं लग्जरी प्लस परफ्यूम्स के अतर। एक का नाम है ऊद हलीमा और दूसरा है ब्लैक ऊद इंटेंस। नमस्कार दोस्तों, परफ्यूम रूट में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिद्धू। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे अतर बताने वाला हूं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो दोनों अतर हैं, ये हैं लग्जरी प्लस परफ्यूम्स के। ये एक इंडियन ब्रांड है। तो जल्दी से मैं पहले आपको इनके अतर्स की प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि इनके अतर्स की प्रेजेंटेशन किस टाइप से है। तो ये लकड़ी का बॉक्स है जिसके ऊपर फ्रंट पे ब्रांड का नाम लिखा है लग्जरी प्लस परफ्यूम, और उसके नीचे इनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया है। तो ये लकड़ी के ऊपर ही इनका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। और बॉक्स को अगर आप खोलेंगे दोस्तों, तो इस टाइप से इसका ओपन होता है इसका ढक्कन। तो इसके अंदर आपको ये आपको बॉटल मिलेगी। ये जो बॉटल है मेरे पास, ये 12 ml की बॉटल है। तो आपको अतर की बॉटल जो है दोस्तों, इस कुशन के अंदर फिक्स मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी मुझे लगी दोस्तों। बॉटल जो है कांच की बॉटल है, और उसके ऊपर भी आपको गोल्डन फिनिशिंग में इनका जो ब्रांड का नाम है वो मिलेगा लग्जरी प्लस। और जो इसका कैप है, कैप के ऊपर भी लग्जरी प्लस का आपको लोगो मिलेगा। और जैसे कि ये जो अतर है, इसका नाम है ऊद हलीमा। तो इन्होंने इसके ऊपर हाथ से ही, पेन से ही लिखा हुआ है, किसी मार्कर से लिखा है ऊद हलीमा। तो सेम दूसरा जो अतर है मेरे पास, उसके ऊपर भी इन्होंने मार्कर से लिखा है ब्लैक ऊद इंटेंस। तो मेरा जो फेवरेट है इन दोनों में से, वो है ऊद हलीमा। तो सबसे पहले मैं आपको ऊद हलीमा के बारे में ही बताऊंगा। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइप की कॉम्पोजिशन है। इसके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आपको ज़रूर महसूस होगी, पर इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उसका जो ब्लेंड है, जैसे कि ऊद का और लेदर और उसके साथ एम्बर का जो कॉम्पोजिशन है, इनका आपस में जो ब्लेंड है, वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे इसमें महसूस हुआ। और स्वीट फ्लोरल के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फ्रेगरेंस है, ये जो अतर है, इसकी जो खुशबू है, ये एक मूड को अपलिफ्टिंग करने वाली एक खुशबू है। तो ये ज़रूर है दोस्तों कि इसकी जो खुशबू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सर्दियों के दिनों में यूज़ करने के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस अतर की जो खुशबू है, जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक अपने एक परफ्यूम की याद दिलाती है। तो उसका नाम है रसासी शूरा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ओरिएंटल ऊद और एक लेदरी टाइप की खुशबू इसके अंदर मिलेगी, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक स्मोकी टोन भी आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, पर हल्का ऐसे लगता है कि स्मोकी भी है, पर उसके साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा स्कैंकी भी फील होता है दोस्तों। पर ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। हल्की सी स्वीटनेस भी इसके अंदर आपको मिलेगी फ्लोरल टोन के साथ। तो इसके टॉप के अंदर जो यूज़ किए गए हैं, वो है टोमेटो लीफ, फ्रीसिया और रोज़। तो टोमेटो लीफ का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। रोज़ जो है दोस्तों, इसके टॉप के अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्मेल करने को मिलेगा। रोज़ जो है, जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया, एक ओरिएंटल एक स्वीट फ्रेगरेंस है। तो रोज़ का जो कॉम्बिनेशन है, वो इसके टॉप के अंदर आपको मिलने वाला है। और इसके मिडल के अंदर जैस्मिन, सैंडलवुड और सिडारवुड का यूज़ किया गया है। और इसके बेस के अंदर मस्क, लेदर और ऊद का यूज़ किया गया है। मस्क जो है दोस्तों, इसको एक लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। और अगरवुड जो ऊद है दोस्तों, वो एक कॉम्बिनेशन इसके बेस के अंदर मिलने वाला है, ओकमोस और एम्बर के कॉम्बिनेशन के साथ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, जिसके अंदर शुरू में आपको ऐसा महसूस होगा कि एक स्वीट फ्रेगरेंस है, रोज़ वाली एक स्वीट फ्रेगरेंस है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोज़ की एक स्वीट फ्रेगरेंस आपको इसके अंदर मिलेगी, पर ओरिएंटल टच के साथ। जब आप इसको लगाएंगे दोस्तों, तब ये आपको फील होगा दोस्तों कि ये अतर किस टाइप का है। पर ध्यान में ये एक चीज़ रखनी होगी दोस्तों आपको, कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग अतर पसंद है तो ही आप इसको परचेज़ करना। अगर आपको स्ट्रॉन्ग अतर पसंद नहीं है दोस्तों, तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर आपको ये परचेज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नहीं बना। और इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, ये एक बीस्ट मोड वाला अतर है। इसका जो प्रोजेक्शन है, मुझे शुरू के 2 से लेकर 2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे का बहुत अच्छा प्रोजेक्शन मिलता रहा। और इसकी जो लास्टिंग है मेरी स्किन पे, 8 से लेकर 9 घंटे तक की एक अच्छी लास्टिंग मिलती रही। और कपड़ों पे ये अगले दिन भी महसूस हो रहा था, 2 दिन तक भी ये कपड़ों पे मुझे महसूस हो रहा था दोस्तों। इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, अगर आप इस अतर को खरीदना चाहते हैं, तो ये अतर जो है 2 ऑप्शन के अंदर आता है, 6 ml और 12 ml। तो जो 6 ml का प्राइस है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा 300 रुपये का। और जो 12 ml का जो प्राइस है, ये आपको मिल जाएगा 600 रुपये के अंदर।
जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम ये अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक दबा देना, और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ आपको और भी परफ्यूम की वीडियोस आपको देखने को मिले, मैं आपको वैसी कुछ जानकारी देता रहूं आपकी चॉइस के हिसाब से, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए सोच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा इनका अतर है उसका नाम है ब्लैक उड इंटेंस। तो इसकी खुशबू भी दोस्तों वैसी ही खुशबू है, कुछ ओरिएंटल टाइप की खुशबू है जिसके अंदर आपको अरेबिक टोन आपको मिलने वाली है, पर इसके अंदर जो एक परफेक्ट ब्लेंड मिलने वाला है दोस्तों वो है ऊद के साथ एक वुडी पचुली और मस्क का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसकी खुशबू भी काफ़ी दोस्तों ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो मुझे महसूस होता है दोस्तों बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक टोन मुझे महसूस होती है, वो एक जीरे की जो टोन होती है, क्यूमिन की स्पाइसीनेस होती है, वो ऊद के साथ मुझे मिक्स होके महसूस होती है। तो ऐसे लगता है कि जो ऊद है वो एक क्यूमिन की तरह स्मेल करता है उसके साथ मिक्स होके। पचुली और सिडारवुड का कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो इसके अंदर खुशबू महसूस होने वाली है वो है जीरे की एक स्पाइसीनेस जिसके अंदर आपको लेदर का टोन और ऊद का कॉम्बिनेशन एक प्रोमिनेंट होके इन तीनों का एक ब्लेंड आपको मिलने वाला है इस अतर के अंदर, जिसके अंदर आपको मस्क भी महसूस होगा पर वो इसको एक बूस्ट करता है दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। सिडारवुड और पचुली का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इनके अतर के अंदर मिलने वाला है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो लास्टिंग है मुझे स्किन पे 6 से लेके 7 घंटे तक की लास्टिंग मिलती रही, और कपड़ों पे ये 10 से लेके 11 घंटे के आसपास मुझे ये कपड़ों पे महसूस होता रहा। अगले दिन तक ये मुझे ऐसे लगा कि ये अगले दिन तक जाता जाता ये फेड होता गया, पर इसकी जो लास्टिंग जो महसूस होने वाली जो लास्टिंग थी वो 10 घंटे से लेके 11 घंटे तक कपड़ों पे मिलती रही। और इसका जो प्रोजेक्शन है शुरू के 2 घंटे तक का अच्छा प्रोजेक्शन मिलता रहा। इसका प्राइस भी दोस्तों बिल्कुल सेम है, अगर आप 6 ml की बॉटल इनकी वेबसाइट से लेते हैं तो 300 रुपये के अंदर मिलेगी, और अगर आप ये 12 ml की बॉटल लेते हैं तो आपको 600 रुपये के अंदर मिलेगी। तो इसका जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोनों अतर एक मैच्योर, मुझे ऐसे लगता है कि मैच्योर फ्रेगरेंस है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो ये दोनों अतर आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये दोनों अतर हैं दोस्तों ये एक ठंडे मौसम में यूज़ करने वाले अतर हैं, इन दोनों अतर को आप ठंडे मौसम में यूज़ करेंगे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गर्मियों में यूज़ करने के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये दोनों अतर आप गर्मियों के दिनों में यूज़ करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना दोस्तों कि अगर आपने ऑलरेडी लग्जरी प्लस परफ्यूम्स के अतर यूज़ करे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए